লোকের বিটি লোক লম্বা লম্বা চুল এমন মাথা বেঁধে দেবো লাল গেন্দা ফুল हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं जैकलिन फर्नांडिस की जो इंस्पायर्ड लुक है गेंदा फूल वाला, वो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। तो पहले मैंने अपने फेस पे फिक्सर लगा लिया था, अभी मैं अपने फेस को जो भी हम मेरे स्पॉट्स है, पिंपल के स्पॉट या फिर कोई डार्क स्पॉट है, वो कवर कर रही हूँ कंसीलर की मदद से। मैंने प्रोडक्ट दिखा दिया था, कौन सा प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया। तो अभी मैं बहुत अच्छे से इसे ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एक मेकअप के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे मैक का जो फाउंडेशन है वो यूज़ करने वाली हूँ। मैंने शेड नंबर भी दिखाया है, शायद दिखेगा आप। तो मैं एक ब्रश की मदद से अपने पूरे फेस पे पहले मैं फाउंडेशन को स्प्रेड कर रही हूँ। मैंने फिर से वो सेम ब्यूटी ब्लेंडर लेके अपने फेस पे डैप डैप करके पूरे फेस पे फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। इवन मैं लिप पे भी थोड़ा अप्लाई करूँगी, ताकि जब मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँ तो उसका शेप बहुत अच्छा लगे। या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोगों के जो लिप्स होते हैं डार्क हो जाते हैं, मतलब स्किन टोन से बहुत ज़्यादा डार्कर टोन होता है। तो ये एक नुस्खा है आप लोगों के लिए, आप फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो अपने होठों पे, उसके बाद लिपस्टिक अगर आप अप्लाई करोगे तो लिपस्टिक का कलर बहुत अच्छा लगता है। डोंट फॉरगेट द नेक, हमेशा गले पे भी अप्लाई करना चाहिए फाउंडेशन, ताकि आपके फेस का कलर एंड गले का कलर हमेशा सेम रहे। यहाँ पे अभी मैं कंसीलर स्टिक ले रही हूँ, जहाँ पे बोथ साइड ही आपके देखिए हाइलाइटर स्टिक एंड हाईलाइट पोर्शन के लिए एंड अपने कंट्रोल करने के लिए दोनों ही स्टिक है। आप देखिए कितना अच्छा है ये स्टिक, तो ये बहुत हेल्पफुल है, इजी टू कैरी है एंड आप देख ही सकते हो इसका थिकनेस बहुत ही अच्छा है। ये क्रीम कंटूर है, बहुत अच्छा है। तो अभी मैं जो करने वाली हूँ इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है एंड इसके बाद मैं जो करूँगी वो वाइट को लेके अपने जो हाइलाइटेड पोर्शन है मेरे, वहाँ पे मैं हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे स्प्रेड कर दूँगी सारे फेस पे। अगेन द सेम ब्यूटी ब्लेंडर लेके मैं पूरे फेस पे जो मैंने अप्लाई किया है उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी, ताकि कोई लाइन ना दिखे। के मतलब ये बहुत गंदा लगता है जब आपके फेस पे अगर कुछ मतलब लाइन दिखे के ये मेकअप है यहाँ पे, तो अच्छा नहीं लगता। तो इसे बहुत अच्छे से डैप डैप करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं अभी जो करने वाली हूँ लूज पाउडर लेके अपने फेस को सेट करने वाली हूँ। आज मैं आई मेकअप लास्ट में करूँगी, ज़्यादातर मैं पहले ही कर देती हूँ। यहाँ पे आई मेकअप ज़्यादा हैवी नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको लास्ट में करूँगी। तो यहाँ पे मैं सेट करके करने के लिए इसे छोड़ दूँगी। बेकिंग करने के लिए मैंने छोड़ दिया है, अभी मैं स्टार्ट करूँगी आईब्रोज करना।
यहाँ पे जैकलिन का जो आईब्रोज है वो बहुत ज़्यादा थिक लग रहे हैं पर नेचुरल भी लग रहे हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि वैसा ही कुछ क्रिएट करने का। ऑब्वियसली मेरा फेस उसका फेस को ही मैच नहीं है, फिर मैं कोशिश करूँगी उस लुक को जस्टिफाई करने की। अभी आते हैं आई शेडोज पे। यहाँ पे मैं एक न्यूड शेड लेके अपने आईज के क्रीज लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा कलर है ये। जो आई शेडो है सर्कुलर मोशन पे अप्लाई कर रही हूँ। मैं यहाँ पे ज़्यादा ब्रश नहीं यूज़ किया है क्योंकि सारे ही न्यूड शेड है। यहाँ पे थोड़ा सा बेबी पिंक कलर लेके यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं करने वाली हूँ एक डीप ब्राउन कलर लेके अपने आउटर कॉर्नर को थोड़ा इन्हेंस करूँगी ताकि मतलब आई का डेप्थ बना रहे। एंड यहाँ पे मैं एक शिमरी शेड लेके जो कि एक शैम्पेन कलर की शेड है इसे लेके मैं फिंगर की मदद से अपने आईलिड्स पे अप्लाई करूँगी। ब्रश से ना ये ज़्यादातर नहीं होता है, और एक टेक्निक है वो मैं आपको दूसरे दिन बताऊंगी कि कैसे आप ग्लिटर आई शेडो या फिर शिमर आई शेडो को इजीली अप्लाई कर पाओगे। पर मैंने जो जो कलर यूज़ किया है वो मैंने दिखा दिया है आप लोगों को। ये सिर्फ चार कलर लगे मुझे, चार आई शेडो के कलर लगे हो गए मेरा मेकअप पूरे। तो यहाँ पे मैं जब बेकिंग किया था मैं उसको हटा रही हूँ, मतलब जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स है मैं उसे हटा दूँगी यहाँ पे। जैकलिन के फेस पे बहुत ब्रॉन्जी इफेक्ट आ रहा था तो मैंने सोचा कि मेरे पास एक पिंक ब्रॉन्जर है तो मैं क्यों ना उसे अप्लाई कर लूँ, उसके बाद मैं लूज कंट्रोल कर लूँगी। अभी मैं यहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई करूँगी जो कि मैं फिर से फिंगर की मदद से करूँगी जो कि मुझे बेस्ट लगता है। तो यहाँ पे मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ अपने फिंगर टिप्स की मदद से। कितनी खुश लग रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं फेसेस का ब्लश लेके अपने फेस पे अप्लाई करूँगी, चीक्स पे, चबी चीक्स। तो इसके बाद मैं फेसेस का एक मस्कारा लूँगी एंड अपने लैशेस को फिल करूँगी। एंड इससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे पाउडर भी लगा लिया था। एंड दूसरी बात, जैकलिन के लोअर लैश लाइन में भी एक कॉब वेव की तरह एक नेट पैटर्न है तो मैं उसे बनाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने आई लैश यूज़ नहीं किया है क्योंकि उसके आई बहुत न्यूड लग रहे थे। तो यहाँ पे मैंने एक न्यूड आई शेडो लेके, मेरे पास स्किन कलर के कोई मतलब नहीं थे तो इसे ही मैंने अप्लाई किया है। तो ये रहा।